धमतरी जिले में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत माध्यान्ह भोजन में लापरवाही बरतने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर शिक्षा विभाग ने 51 शिक्षकों का एक दिन का वेतन भी काट दिया है। इस कार्रवाई से शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना केंद्र शासन की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका क्रियान्वयन राज्य शासन द्वारा प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं में किया जाता है। योजना के तहत स्कूल में विद्यार्थियों को दोपहर का पौष्टिक भोजन खिलाया जाता है। वहीं लाभान्वित विद्यार्थियों के प्रति दिवस प्रविष्टित मोबाइल ऐप में फ्री की जाती है, जिसके आधार पर कास्ट राशि राज्य शासन को प्रदान किया जा रहा है। लेकिन जिले के 52 स्कूलों में शिक्षकों मध्याह्न भोजन का डेटा एंट्री नहीं किया जा रहा था, जिस पर शिक्षा विभाग ने 51 शिक्षकों का एक दिन का वेतन रोकने की कार्रवाई की है। धमतरी से वैभव चौधरी की रिपोर्ट। एक है मध्याह्न भोजन योजना चलता है, जिसको प्रधानमंत्री पोषण आहार योजना के नाम से जाना जाता है। तो इसमें विद्यार्थियों को, जो लाभान्वित विद्यार्थी हैं, उनका मोबाइल ऐप के माध्यम से, अपने स्कूल के माध्यम से दर्ज किया जाता है उनकी जानकारी जो है। तो इसमें कुछ स्कूलों के द्वारा ऐसा जानकारी नहीं दिया गया, तो बीओ धमतरी द्वारा उनको सो कास नोटिस जारी किया गया था। उसके पश्चात ही एंट्री नहीं होने पर उन पर कार्रवाई करने, एक दिवस का वेतन रोकने की कार्रवाई की गई है। बीओ के मिली जानकारी अनुसार बीओ धमतरी ने इनकाम शिक्षकों को ऐसा बताया है जानकारी में, जिन्होंने एंट्री में लापरवाही बरती है, जिसके कारण से उनका वेतन एक दिन का रोका गया है।